ब्रायन आइट्स के एपिसोड 2 में हमें हारुमा को दिखाया जाता है जो ग्राउंड में आता है और टोरी से कहता है कि मैं टीम ज्वाइन कर रहा हूँ, जिस पर कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ बहुत ज्यादा नाराज। आकिरा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी गेम कहाँ तक पहुँचती है। वहीं टोरी हारुमा को ऑल द बेस्ट कहता है। जब सब गेम खेल रहे होते हैं तो हारुमा आकिरा से कहता है, तुम टीम मेंबर्स को बॉल क्यों नहीं पास कर रहे थे? आकिरा कहता है, ये तो बस ओपनिंग थी और मैं तो ऐसा ही खेलता हूँ। जिस पर हारुमा कहता है कि टीम ऑप्शनल नहीं होती, उनके साथ खेलना होता है। जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। पीछे से एक टीम मेंबर रोकने की कोशिश करता है तो वही टोरी कहता है, ये दोनों भी ना, पीछे कीटा खड़ा हुआ होता है। कीटा कहता है कि दोनों में एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये अच्छी बात है। तो सोया कहता है, इतनी भी एनर्जी अच्छी नहीं होती। पीछे से आकिरा और हारुमा के पास एक लड़का आता है जो दोनों से कहता है, क्या तुम लोगों को मजा आ रहा है लड़ते हुए? तो हारुमा उसे पूछता है, तुम आखिर हो कौन? वो लड़का कहता है, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। तो वो कहता है, मेरा नाम शैतानी है और मेरा लाइफ का एक ही मोटो है, एंजॉय करना। हारुमा शैतानी से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो शैतानी कहता है, आखिर तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे थे? आकिरा कहता है कि पहले हारुमा ने मुझसे लड़ाई की। तो हारुमा कहता है, ये सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही हो जो टीम को चला रहा है। जब आकिरा कहता है, ये तो बस ओपनिंग थी, तो हारुमा कहता है, तुम हमेशा ओपनिंग पे नहीं खड़े हो सकते। शैतानी दोनों को चुप करने के लिए कहता है और कहता है, कई बार ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। और वो ये भी कहता है कि खुद को डिफेंस करना कभी कभी बेहतर होता है। जिस पर हारुमा उसे देखता है। शैतानी ये भी कहता है कि वो जैसे खेलना चाहता है उसे वैसे ही खेलने दो। हारुमा कहता है, तुम गलत हो, कोई भी एथलीट अकेले रग्बी गेम को नहीं खेल सकता और ना ही जीत सकता है। शैतानी कहता है, शायद तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी मैं कभी भी इससे नहीं जीता। शैतानी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में एक बार इससे जीतूं। आकिरा कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता हूँ कि तुम हारते हुए थकते भी नहीं हो। तो शैतानी कहता है, मैं बस एंजॉय करता हूँ। आकिरा कहता है, क्या तुम मुझे दोबारा हराना चाहोगे? तो शैतानी कहता है, बिल्कुल। जब दोनों गेम खेलने लगते हैं तो हारुमा को पता चलता है शैतानी ने सिर्फ आकिरा के लिए ही गेम को ज्वाइन किया था। उस वक्त हारुमा को ये भी पता चलता है कि शैतानी दूसरी गेम्स को खेलता था और उसे रग्बी का कोई भी नॉलेज नहीं था और पूरा नॉलेज तो उसे अभी भी नहीं है, लेकिन वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है। दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। जब दोनों भाग रहे होते हैं तो शैतानी उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन आकिरा उसे छुड़ा के भागता है और आखिर आकिरा गेम जीत जाता है। आगे हमें हारुमा और होरियो को दिखाया जाता है जो डिनर कर रहे होते हैं। हारुमा कहता है कि मैं आकिरा के बारे में सोच रहा हूँ कि वो अपनी बात से बाज नहीं आता। होरियो कहता है, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? हारुमा कहता है, वो मेरी बात नहीं सुनता और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आकिरा को लगता है कि वो सब कुछ खुद ही कर लेगा, लेकिन कई बार उसे दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो कभी भी अपने ओपोनेंट के मूवमेंट को नहीं देखता, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और वैसे तो वो जीत भी नहीं सकता। हारुमा कहता है, उसे टीम मेंबर्स की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है। वहीं शैतानी आ जाता है और वो कहता है, मुझे कभी भी आकिरा के सामने खड़ा होने का मौका ही नहीं मिला। तब होरियो को भी पता चलता है कि आकिरा की फैमिली एक हंटर है, जिसकी वजह से वो किसी को अपने आगे टिकने ही नहीं देता। जब शैतानी होरियो के डिनर से कुछ खाने लगता है तो वो उसे खाने से मना कर देता है। शैतानी हारुमा से कहता है कि मैंने बहुत सी गेम्स खेली हैं, लेकिन मुझे कोई भी गेम इतनी पसंद नहीं आई। शैतानी हारुमा से कहता है, मैंने पहले बहुत सी गेमें खेली हैं, उनमें से कोई भी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जब मैंने आकिरा को देखा और उसका पैशन देखा तो मुझे रग्बी गेम बहुत ज्यादा पसंद आ गई और मैंने टीम ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे दूसरे की गेम इतनी ज्यादा पसंद आई। हारुमा कहता है, इसलिए तुमने ये टीम ज्वाइन कर ली? तो शैतानी कहता है, शायद इसी वजह से मैं आकिरा के सामने टिक ही नहीं पाता। हारुमा कहता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसे अपनी टीम मेंबर्स की इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है। शैतानी वहाँ से चला जाता है तो होरियो हारुमा से कहता है कि इसे तो वाकई दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, ये सब कुछ अपने तरीके से ही करता है। अगले दिन सुबह टोरी सबको प्रैक्टिस करा रहा होता है कि होरियो हारुमा से बात कर रहा होता है। हारुमा जब पूछता है कि बिग थ्री क्या है तो वो बताता है कि हमारे कंट्री में तीन बड़े स्कूल हैं जिन्हें बिग थ्री के नाम से जाना जाता है। हारुमा कहता है, मैंने कभी भी थर्ड ईयर को ग्राउंड में नहीं देखा। तो होरियो कहता है, मैंने भी कभी नहीं देखा। होरियो कहता है, मैंने जब भी पूछा है कि थर्ड ईयर यहाँ पे नहीं है तो सब मेरी बात को टाल देते हैं। आगे फिर से आकिरा और हारुमा की लड़ाई हो जाती है सिर्फ इसी बात पे कि वो टीम मेंबर्स का साथ नहीं देता। हारुमा कहता है, अगर तुम हार रहे हो तो बॉल तुम्हें किसी दूसरे को पकड़ा देनी चाहिए। जिस पर आकिरा कहता है, मैं बॉल नहीं गिराऊंगा। वहीं कीटा टोरी से कहता है कि जब से हारुमा ने टीम को ज्वाइन किया है तब
तब से आकिरा और हारुमा के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है। टोरी दोनों को डांटता है और दोनों को ऐसा करने से मना करता है। जब सब नहा रहे होते हैं तो वो हारुमा और होरियो को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। टोरी नहाते हुए भी सबको यही कहता है कि तुम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। टोरी कहता है रुग्बी को बगैर पैशन के नहीं खेला जा सकता, तो शैतानी कहता है तुम हमेशा ही ऐसा ही करते हो। शैतानी कहता है तुम्हें कभी तो रिलैक्स होना चाहिए। वहीं जब हारुमा जाने लगता है तो टोरी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। हारुमा कहता है मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। तो टोरी कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए और तुम्हें अपने सीनियर्स की बात सुननी चाहिए। टोरी हारुमा से कहता है कि तुम और आकिरा हर वक्त लड़ाई करते रहते हो। हारुमा कहता है सारी गलती आकिरा की है। तो आकिरा कहता है नहीं, मैं जिस तरीके से पहले खेलता हूँ मैं वैसे ही खेलूंगा और मेरी यही आदत है। होरियो हारुमा के पास आता है और उसे कहता है कि आकिरा को शायद पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रही। होरियो ये भी कहता है मैं जो भी तुम्हारी मदद कर सका मैं जरूर करूंगा। हारुमा होरियो से कहता है कि तुमने कब से रुग्बी ज्वाइन की है। तो होरियो कहता है कि हाई स्कूल से। हारुमा कहता है तुम पहले क्या खेलते थे। तो होरियो कहता है कि मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था। हारुमा कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम आकिरा के साथ एक गेम खेलो। वो उसे सारी ट्रिक्स बताता है जिससे वो जीत सके। आकिरा और हारुमा कुछ दिन एक दूसरे से बात नहीं करते और हारुमा सारा फोकस होरियो पर ही लगा देता है। टोरी कहता है ये तो अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, कम से कम इन दोनों के दरमियान लड़ाई तो नहीं होती। कुछ दिनों बाद हारुमा आकिरा से कहता है कि तुम्हारे साथ वन बाय वन करना है। आकिरा कहता है मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। तो हारुमा कहता है मैंने नहीं करना, तुम्हारे साथ होरियो करेगा, जिस पर सब हैरान होते हैं। हारुमा कहता है मैं बस तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है। होरियो को याद आता है कि उसे हारुमा ने कहा था कि जब भी आकिरा अपना कंधा ऊपर या नीचे करे तो उसका मतलब है वो दूसरी साइड पे मुड़ने लगा है। जब होरियो से पकड़ने वाला होता है तो वो दूसरी साइड पे ही मुड़ जाता है। होरियो उसे पीछे से पकड़ तो लेता है लेकिन आकिरा छुड़ा के वहाँ से भागता है और वो गेम जीत जाता है। लेकिन सब कहते हैं कि ये गेम टाई है, जिस पर आकिरा और हारुमा की फिर से लड़ाई हो जाती है। टोरी जब इन दोनों की लड़ाई देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। सोया कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो टोरी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इन दोनों को लड़ाई करते हुए देख रहा हूं, तो मेरी स्माइल रुक ही नहीं रही। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।